शिक्षक को ईश्वर का रूप कहा जाता है। ईश्वर का बोध कराने वाले शिक्षक ही होते हैं। हर परेशानी सहकर अपने विद्यार्थियों का जीवन संवारने वाले शिक्षक शायद आज अपनी पहचान और महत्ता को भूलते जा रहे हैं। बर्बरता, क्रूरता और सभ्यता आज के शिक्षकों में घर करने लगा है। ताजा मामला भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के मध्य विद्यालय महेश खोर का है। इस विद्यालय के शिक्षक की क्रूरता सामने आई है। भागलपुर में शिक्षक ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। दरअसल जिले के कहलगांव अनुमंडल के सनहौला प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय महेश खोर के प्रभारी शिक्षक ने स्थानीय बबलू मंडल की बेटी छात्रा किरण की बेरहमी से पिटाई कर दी। शिक्षक ने छात्रा को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वो 3 घंटे तक बेहोश रही। इसकी सूचना घर वालों को भी नहीं दी गई, बल्कि 3 घंटे स्कूल में ही उसे बंद रखा गया। फिलहाल किरण का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना शनिवार की बताई जा रही है। किरण की सहपाठी ने किरण के साथ हुई क्रूरता को बयां किया है। की कर ललन मुझे तोरा मार को रे को छरी मार के मार दिया है नी। हाँ। तो गोप में सर देख कर हमरा मार तो फिर मारा लग ले कुड़ा था मार के अगरा नहीं मार के ना आरु चाटो लगे गाली से चार चाटो तो फिर के आरु किल किल के मार को नहीं लग मार कर बाली चित्र कर को लो मेरी बहन के बगल में लगने लगा नहीं लगने दिया ना पहले वो मार दिया उसको मैडम को बोले मैडम बोली काहे भी रही है वो मेरे सबसे फिर से मारने लगा मैडम चली गई ये मारे ने मेरी बहन उसको बोली को तो ना सर देख लिया और मारने लगा पहले हमारा कोनी लगे फिर उधर ले जाके मारने लगा कच्चा करची लगे माने करची टूट गया फिर मारने लगा कोनी भागने लगा बाल इंच के मारने लगा कोनी लगे बहुत देर मारा की कर लन मुझे तोरा मार को मामला सामने आया। बच्ची को काफी गंभीर तरीके से पीटा गया। अस्पताल में चीजें से भर्ती क्या कुछ कार्रवाई होगी? अभी जस्ट है से कि हमें आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है कि स्कूल के किसी टीचर ने ऐसे बच्ची को ऐसे कि मारपीट की है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ऐसे बच्चों को किसी तरह का ऐसे प्रताड़ित नहीं करना है और ये मामला हमारे पास संज्ञान में है। विजुअल आप लोगों ने दिखाया है। कल हम लोग ऐसे कार्रवाई करेंगे और जितना संभव हो सकेगा मैक्सिमम पनिशमेंट उसको ऐसे करेंगे।